भोलेनाथ को देख पा रहे हैं, जो आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में विजय रथ पर सवार होकर निकल रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर से ये विजयादशमी की पूजा की शुरुआत आज की उन्होंने सुबह, और उसके बाद मंदिर में अपने नाथ संप्रदाय के योगियों, संतों, पुजारियों के साथ विशेष पूजन भी किया, और उसके बाद अब ये शोभा यात्रा जिसको 4 बजे का वक्त दिया गया था निकलने का, वो निकल चुकी है। और शोभा यात्रा में आप बीच में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे होंगे, और नाथ संप्रदाय के योगी संतों के साथ आज पहले सुबह विशेष पूजन किया, और उसके बाद विशेष अनुष्ठान भी मुख्यमंत्री के गर्भगृह में आयोजित होगा। आज तिलकोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित हुआ यहां पर, और गोरक्ष पीठाधीश्वर आवास पर तिलक हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नजर आए थे, लेकिन फिलहाल अब ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब देखिए ये शोभा यात्रा निकल चुकी है, जिसमें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बाकायदा परंपरागत ये विजय शोभा यात्रा है जो गोरखनाथ मंदिर से निकली है, और आसपास काफी संख्या में आप लोगों को भी देख पा रहे हैं जो इस वक्त इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रथ और शोभा यात्रा निकल चुकी है, आसपास देखिए साधु संत भी वो भी वहां पर है। तो नाथ संप्रदाय की खासा महत्ता है आज के दिन, और इसी से जुड़ी हुई इस तरह की शोभा यात्रा हर साल भी निकाली जाती है। इस साल भी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीधे, जहां पर ये विजयादशमी के अवसर पर शोभा यात्रा परंपरागत विजय शोभा यात्रा है जो निकल चुकी है। और आज विजयादशमी की देर रात गोरखनाथ मंदिर में पात्र पूजा भी आयोजित होगी, जिसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज दंडाधिकारी की भूमिका में भी नजर आएंगे, और उसी के साथ नाथ योगियों की समस्याओं की आज वो सुनवाई भी करेंगे, और इस पूजा में नाथ संप्रदाय के योगी, पुजारी और शिष्य भी शामिल होंगे। और उससे पहले की सीधी तस्वीरें गोरक्ष पीठ से निकल चुकी है शोभा यात्रा, वो हम आप सब पहुंचा रहे वहां की तस्वीरें। बाकायदा देखिए इस रथ को सजाया गया है, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रथ पर सवार, और तमाम साधु संत भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज नाथ संप्रदाय की पीठ श्री गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ये विजयदशमी के उपलक्ष में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और न्यायिक दंडाधिकारी के किरदार में आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वैसे तो वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज देखिए ये विशेष अवसर, और इसी पे देखिए आज उनका एक अलग ही रूप न्यायिक दंडाधिकारी के किरदार में आज आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। परंपरागत ये वेशभूषा है जिसमें आप योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम वो भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे, ताकि जो ये शोभा यात्रा है वो आसानी से पूरी हो जाए, और आसपास साधु संत भी और जो आम लोग वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज विजयादशमी की देर रात होने वाली जो पात्र पूजा है उसमें नाथ संप्रदाय के संतों की अदालत भी लगेगी, ये भी आपको बता दें, जिस अदालत में आज गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय के संतों के मध्य के विवाद को भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुलझाएंगे, और उससे पहले जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है, और उसके बाद ये जो आगे का कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। और इससे पहले की तस्वीरें भी आई थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर लोग उनका आशीर्वाद ले रहे थे, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो आज नाथ संप्रदाय में पात्र पूजन की परंपरा पौराणिक काल से अनवरत चली आ रही है, ये भी हम आपको बता दें, ये आज की नहीं, काफी पौराणिक समय से, पौराणिक काल से ये परंपरा चली आ रही है, इसका पालन आज भी किया जाता है। और आज वही की तस्वीरें इस परंपरा को पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये परंपरा देखिए आंतरिक अनुशासन बनाए रखने का एक अहम जरिया भी है, जिसको इस शोभा यात्रा के माध्यम से भी देखिए दिखाने की कोशिश, और मंदिर के जो सचिव वो भी देखिए इसको लेकर कह चुके हैं पहले भी कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी पीठ के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है उसको हमेशा पूरा करते हैं, और आज भी इस उपलक्ष्य में आज वो यहाँ पर आए हैं, और अपना उत्तरदायित्व जो उनका है
उसको वो निभा रहे हैं आज। फिलहाल ये शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इन सीधी तस्वीरों को हम आप तक भारत समाचार के माध्यम से पहुंचा भी रहे हैं। ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो विजयादशमी के दिन श्री गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी होती है और गोरखनाथ जी के साथ ही मंदिर में स्थापित जो सभी देवी देवता हैं उनकी भी विशिष्ट पूजा होती है, जिनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा भी किया है। और सबसे पहले देखिए सभी देवी देवताओं की पूजा की, कल कन्या पूजन भी किया था, 9 दिन का वो उपवास भी रखते हैं। और आज जब विजयादशमी है तो आज के दिन जो विजय शोभा यात्रा जो निकल रही है उसमें भी देखिए उन्होंने हिस्सा लिया है, हमेशा की तरह जैसा वो हर साल जब ये दशहरा का पर्व होता है आकर वो इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं और उसी तरह आज भी वो तस्वीरें सामने हैं आपके।